उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुल्कान सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब ओम प्रकाश सिंह को नया डीजीपी बनाया गया है। ओपी सिंह के चयन के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इसमें गृह विभाग के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी की सिफारिश मानते हुए अब केंद्र सरकार से अपील की है कि वो ओपी सिंह को यूपी के नए डीजीपी के रूप में उपलब्ध करा दे। बिहार के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मौजूदा समय में सीआईएसएफ के डीजी हैं। सीआईएसएफ के डीजी का चार्ज लेने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के डीजीपी का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मौजूदा डीजीपी सुल्कान सिंह के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने ओम प्रकाश सिंह को नया डीजीपी नियुक्त कर दिया। नए डीजीपी के रेस में प्रवीण सिंह, शिव कुमार शुक्ला, भावेश कुमार सिंह और रजनीकांत मिश्रा का नाम चर्चा में था, लेकिन इन सब को पीछे छोड़ते हुए ओपी सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसा जीतने में कामयाब है। ओपी सिंह को अचानक चेन्नई से लखनऊ बुलाकर डीजीपी बनने की जिम्मेदारी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।